पीटर बेटे उस वाले बोल्ट को कसो, वो थोड़ा ढीला लग रहा है। पीटर ये नहीं, जिसकी गरारी ढीली है उसे कसो ना। अरे नहीं, इसको चैन को क्यों छू रहे हो पीटर? तेरी माँ की चू। अब क्या करा मेरे? पीटर बेटे मेरी हेल्प ले ले, परेशान हो रहा होगा तू अकेला। बुजुर्ग हाथ हाथ हाथ। अबे तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैकेनिक है, मिस्त्री है, कौन है तू? मेरा फिर से वही सवाल है। हाँ मनोज, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। मेरा फिर से वही सवाल है कि एडम बचा कैसे? एडम को जोम्बियों ने कुछ क्यों नहीं कहा? इसे जोम्बियों ने खाया क्यों नहीं? अरे हम बताएं? हाँ तुम बताओ। क्योंकि जोम्बी अगर उन्हें काट लेते ना, तो वो जोम्बी बन के जोम्बियों को उबले हुए चावल खिलाते, और ये बात जोम्बियों को पता थी, इसलिए नहीं काटा। हम बताते हैं, बात ये है कि ये एडम है ही नहीं, एडम तो मर गया। ये तो कोई भटिया है, बैरूपिया है उसका। आज से तुम्हें पता है तुम्हारा लीडर कौन है? एंथनी जोम्बी। ये बनेंगे लीडर। आज से तुम्हारी टीम का लीडर है इंस्पेक्टर मनोज। इंस्पेक्टर मनोज है, आज से टीम का फुल टाइम धोबी। आज से सारे कपड़े मैं धोऊंगा। डॉक्टर इतना लंबा कोट मैंने धोऊंगा। डॉक्टर साहब बता दो फिर एडम सर को। अरे कोट भी धुलेंगे आज से, लिया बिस्तर चद्दर सब धोऊंगा मैं, और डॉक्टर साहब की गांड भी धो दूंगा। ये मनोज क्या बताने कह रहा था? कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल बात चल रही थी कि जोम्बी तुम्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे। बताइए क्यों नहीं कह रहे कुछ? मेरी स्टडी के हिसाब से देखें तो ह्यूमन बॉडी में आरबीसी होती है। डॉक्टर साहब ये आरसीबी बॉडी में कहां से आ गई? मुंबई इंडियंस तो ना आ गई? आरसीबी नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तुझे कुछ पता भी है डरपोक इंसान? हाँ सब तुम्हें ही पता, पर एडम सर इनसे क्या कद्दू पूछ रहे हो? इन्हें यही नहीं पता कि पीटर कैसे बना। हाँ पता, सब पता, कैसे बना पीटर? तू कैसे बना? तुम्हें कुछ ना आता? झोला छाप डॉक्टर हो तुम, पुड़ियों में दवाई बेचते थे, पुड़ियों में। क्या हुआ एडम? एडम तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, इसे भूख लग रही है। हाँ तो ठीक है ना, मैं अभी बनाता हूँ एडम सर के फेवरेट उबले हुए चावल। है? सर आपके तो फेवरेट हैं, कैसे मना कर सकते हो? बताने वाला था मैडम, समझा करो मेरी बात को। ये सब में बात पूछनी थी, ये जो तुम बार बार गोली मार के किस्तों में खून निकालते हो, एक ही बार भेज उड़ा के साले का खून ले लो ना। हमें भी ऐसे लगता था, लेकिन ऐसे लाइफ में चीजें और नियम दोनों प्रेसिडेंट के हिसाब से चलती हैं। लीडर बनने के लिए
उसकी निगाहें तेज होनी चाहिए जो कि मेरी हैं। देखा, इन तेज निगाहों से कोई नहीं बच सकता, ये होता है टीम का लीडर। एक मिनट, क्या यह अफवाह सच है जिसमें यह कहा जाता है कि यह खून कमजोर लोगों को मार देता है या फिर हैवान बना देता है? ये अफवाह नहीं है, सच है। एक मिनट सर, मनी। सर ये कैसे हो सकता है? क्या आपके आने से ये ज़ॉम्बीज चले गए? वैसे मेरा नाम हैप्पी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए।
तुम बहुत बहादुर हो। आज तेरा जड्डे? जड्डे क्या होता? आज इसको ज़ॉम्बी बने हुए पूरे 3 साल हो गए। इसी दिन को हम लोग जड्डे बोलते हैं। बेटे, तुझे जड्डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तू जिए हजारों, सॉरी, तू मरा रहे हजारों। अबे जाइए। इन्हें कैसे पता चला कि कोई इंसान है यहाँ? और वो भी लगभग 1 किलोमीटर दूर, ना कोई आवाज ना कुछ। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर, ये इंसान इन्फेक्टेड है, इसने मुझ पर अटैक किया है। पागल है क्या? सर है हमारे वो एडम सर। सर हूँ ही आपके पापा। इसने मुझ पर अभी हमला करा है, और वो भैया ना होते ना तो अब तक मार चुका होता मुझे ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही कही थी गोली मार दो इसे, और लीडरशिप की टेंशन मत लेना, वो मैं हूँ। ये तुम पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि ये तुम्हें बचा रहा था। वाह पीटर वाह, कितने में भिगा? बहुत बुरी मारूंगा। ओह, इसका मतलब ये जो पीटर है ये हमें मारने नहीं, ये जो है बचाने। कैसे पीटर? आज इसको AZP से टिकट मिला है, विधायकी का। AZP? आम ज़ॉम्बी पार्टी, 15,000 वोटों से हारेगा कम से कम ये। गाली बकरिया, लंड मेरी ला दूंगा तेरी विधायकी। विधायकी खैर बुरा हारेगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो पीटर है ये हमें मारने नहीं बचाने आता था। क्या मतलब बचाने आता था? एडम के कहने का मतलब है पीटर हमें दूर से सूंघकर ज़ॉम्बियों के बीच से निकाल लेता था, मतलब वो हमारी जान बचाता था। ओ क्या मेरा कद्दू कर रिया? चलो भाई मान लिया तुम्हें बचाया था, पर मेरा क्या? मुझे तो मॉल में बजाया था, मुझे भी तो लात घूंसे मार के बचा सकता था, पर मेरी क्यों मारी? मुझे चाहिए इंसाफ। तू तो दूसरा राउंड भी चाह रिया था। हाँ चाह रिया था दूसरा राउंड, मजा आ रिया था मुझे। क्यों भाई? डॉक्टर साहब नाराज मत हो, मैं दोबारा दूंगा। साइकिल की छोड़ दी, उसका पहिया टूटने की वजह से अब वो बोझ बन गई। क्या किसी ने गौर नहीं किया? क्या गौर नहीं किया? यही कि वो ज़ॉम्बी पीटर पर हमला कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? पीटर पर ज़ॉम्बी कब से हमला करने लगे? हाँ ये तो हम गौर करना भूल ही गए, वो कोई इंसान नहीं था तो फिर क्या था? जी ज़ॉम्बी, जी ज़ॉम्बी, ये क्या है? ये ऐसे ज़ॉम्बी होते हैं जो मुझ पर भी हमला कर सकते हैं। पर वो भी तो आम ज़ॉम्बीज की तरह था, इनकी पहचान क्या होती है? इनके गले में एक खास प्रकार का लॉकेट होता है, और कभी कभी लगता है जैसे ये सोच भी सकते हैं, और ये चलने में भी आम ज़ॉम्बियों से थोड़ा तेज होते हैं। हाँ मैंने भी साउथ की तरह ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखे हैं। एक मिनट डॉक्टर, हम जा कर रहे हैं। एडम अब हम कहाँ जा रहे हैं?
साउथ यानी दक्षिण की ओर। लो जी लो, खुद तो मरेगा मरेगा, हमें भी मरवागा। ऐसे जोंबियों की तरफ लेके जा रहा है जो पीटर की भी गांड फाड़ दे। इसकी पूरी प्लानिंग है हमें मरवाने की, जोंबी जी से। जी जोंबी। अबे हाँ पीटर हुए, जी जोंबी। एडम अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम्हारे पास तो मैप ही नहीं है, साउथ कैसे जाएंगे हम? मैप नहीं है तो क्या हुआ, साउथ तो है, मैं जाऊंगा। तुम्हारी बात ठीक है एडम। अजी मेरा कद्दू ठीक है, जब अगला आदमी कह रहा है कि साउथ के टर्मिनल नहीं रहे तो वहां जाके पुष्पा का पार्ट टू बना गए। बात मनोज की भी ठीक है। मैं डॉक्टर। अबे तू गाढ़ बाबली है कौन है, सबकी बात ठीक है? बात पीटर की भी ठीक है। भाई डॉक्टर साहब अपनी राय दो, सबकी बात ठीक मत ठहराओ, इसकी भी बात ठीक है, उसकी भी बात ठीक है, क्या तरीका तुम्हारा ये? हाँ मनोज बात तो तुम्हारी भी ठीक है। इसकी बात ही ठीक कर, पीटर को बात ही ठीक ठीक है, कुछ नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन लो एडम, तुम भी और तुम सब भी और बदतमीज पीटर तू भी। एडम को नहीं है इस पर भरोसा, पर एडम के पास नक्शा भी नहीं है, और अगर हम यहाँ रुकेंगे तो पैसे मारे जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा हम बिना नक्शे के नहीं जाएंगे। हाँ ये बात ठीक है, तालियां भाई तालियां। तुम लोगों को साउथ जाना है ना? ना, तेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाना। मेरा मतलब है साउथ तो हम बिना नक्शे के भी जा सकते हैं। कैसे? इस साले हैप्पी ने ना हमारी सारी हैप्पीनेस छीन ली, साउथ का दलाल हैप्पी। क्या कहा? अरे मैं ये कह रहा था आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ही कितने चक्कू मर जाएगा। एडम ये जगह ठीक नहीं लग रही आज रात रुकने के लिए। ठीक तो लग रही है पर अभी हम थोड़ा और चल सकते हैं साउथ की ओर। साउथ साउथ साउथ, एक काम कर हमारी लाश ले जा साउथ। ठीक है फिर जैसे तेरी मर्जी। अरे मैं ये कह रहा था मैं तो पूरा जाऊंगा, जिंदा जाऊंगा, एंथोनी की लाश चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार हद हो गई, साउथ की ओर साउथ की ओर। तेरी ओर हाय एडम। ठीक है रुक जाओ। अरे एडम सर, अरे रूम बहुत टॉप के हैं भाई, एकदम डीलक्स जो योर टाइप। आज अगर लड़की और होती तो मैं तो बाथटब वाला रूम लेता। भाई डॉक्टर साहब अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। अबे उम्र देख लिया, आगे जो लटक रही है इतनी लंबी राड उसे देख। काम करो, सब लोग ना सोने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले यहां जितना भी सामान है उसे इकट्ठा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. ये रस्सी कैसे कम पड़ गई, जब मैंने नापी थी तब तो बराबर थी। उठा उठा। क्या हुआ एडम, क्यों भेड़ मार रिया? रस्सी कम पड़ ली है यहाँ। मनोज भाई रस्सी कम पड़ गई तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं मुझे क्या पता क्या मतलब हुआ। रस्सी कम पड़ गई इसका मतलब हम में से किसी एक को इस खुली जगह पर
पहरा देना होगा। अरे डॉक्टर साहब पहरा देगा कौन? जब इतना कुछ कर लिया तो पहरा भी मैं ही दे दूंगा। हाँ चल ठीक है दे दे, मैं तो जा रहा हूँ सोने। पहरा मैं दूंगा। क्या कहा? क्या देगा? पहरा मैं दूंगा। पहरा तू देगा? बेटे पहरा देना, पहरा पेड़ा नहीं देना, समझे क्या? अबे पहरा देगा तू? उसकी बहन का चोट मार। ज्यादा बड़ा तुफैल बन गया, एक चीज भी आ गई ना खींचा फिरेगा पूरी रात। जाके सो जा, यहाँ का मैं देखूंगा। तुमने तो कहा था ना मैं बहादुर हूँ। अबे मैंने तो गांड बावली भी कहा था, तो सो जा। मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का, वरना ये लोग मुझ पे जिंदगी भर ऐसे ही हंसते रहेंगे। बेटर तनवीर जॉर्ज, यस तू बेटर बन गया। अरे भाई पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। पैसे कमाने हैं तो इसके लिए लूडो गेम खेलकर पैसे कमा लेना। ये क्या हो गया? इधर को आ, मैं बताता हूँ। इसके लिए लूडो गेम ये बाकी लूडो गेम से बिल्कुल अलग है। इसमें स्पेशल पावर बटन है जिसको यूज करके तू अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले सकता है और गेम जीतकर पैसे कमा सकता है और रियल लाइफ में हीरो बन सकता है। पर भाई मेरे पास इसके लिए लूडो खेलने के लिए भी तो पैसे नहीं है। इसके लिए लूडो में तू फ्री में लूडो खेलकर पैसे कमा सकता है और मेरा रेफरल कोड यूज करके लॉग इन करने पर तुझे 100 रुपए मिलेंगे और अपने दोस्त को रेफर करेगा तो तुझे 200 रुपए मिलेंगे। सच्ची? और सुन इसमें एक लीडर बोर्ड है जिसमें तू सबसे ज्यादा लूडो खेलकर अगर लीडर बोर्ड पर टॉप 3 में आता है तो तू 10 लाख तक जीत सकता है। 10 लाख? अरे भैये इससे तो मैं अपने भैये शमशीर की दूसरी टांग ठीक करा लूंगा। दूसरी छोड़ तीसरी टांग लगवा लेगा। और सुन ये इतना सेफ है, RNG से सर्टिफाइड है और इसमें तू जीते हुए पैसों को 1 मिनट में UPI या बैंक ट्रांसफर के थ्रू निकाल सकता है इंस्टेंटली। अरे भैये ये तो तूने बढ़िया चीज बता दी, अभी डाउनलोड करता हूँ इसे। कर ले। एंथनी, मैं सो नहीं रहा था अम्मी की कसम, मैं तो तुम आंखें बंद करके देख रहा था। हाँ अब ऐसी आंखें बंद करके सोने चला जा, उन्हें पता चल जाएगा। सुबह उनके उठने से पहले मैं तुझे वापस यहीं पैरे पर खड़ा कर दूंगा। ठीक है। एंथनी। हाँ बे, बाहर तेरे अब्बा का बुर्ज खलीफा खड़ा, ये तेरी अम्मा रूम उठा रही है, अंदर जा। एंथनी
तुम पूछते थे ना कि मैं तुम्हें क्यों मारता था। क्यों मारते थे? प्लस GST लगा के गाली और देते थे खींच के। तेरे माँ की चू। वो लोग भी मेरे यहाँ ही गोली मारते हैं, मुझे लगा तुम उन्हीं के आदमी हो। पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं। पता है ये पीटर ही सो रहा होगा, सब उठ गए होंगे। पता नहीं कितना सोता है ये इंसान। भफड़ी के तुझसे ज्यादा सुअर इंसान नहीं देखा मैंने, पूरी रात जागा तेरे लिए। साले मतलब इंसान। एडम सर, एडम सर, अरे एडम सर, अरे वो अपने दो लोग गायब हैं, एक डॉक्टर साहब अपने और एक क्या नाम है उसका, हैप्पी। ये तो ऐसा लव के नियमों के खिलाफ है ना, हम उसका खून एक महीने में एक ही बार ले सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के डायरेक्ट ऑर्डर है, तुम्हें करने पड़ेंगे। शिट, व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड प्रेसिडेंट। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या लगता है कहाँ गए होंगे ये लोग? पता नहीं, लेकिन हमें उस नए लड़के पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। भरोसा तो वैसे किसी और पर भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहाँ हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कहाँ हो डॉक्टर? क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग बोल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। मनोज भाई क्या बात चल रही है? मुझे क्या पता क्या बात चल रही है, सबटाइटल थोड़ी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, ऐसा डबल बेड का बंदा, ठीक से नींद नहीं आई, कमर में दर्द हो गया। एडम, एडम अब मजाक का वक्त नहीं है, खोलो। एडम इधर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस हैप्पी के बच्चे ने डॉक्टर साहब को ही क्यों उठाया? हम में से किसी और को भी तो उठा सकता था। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही एंटीडोट बनाना जानता था, और ये बात अब शायद उसको भी पता चल गई थी। हो सकता है, ढूंढो। मैं
बीड़ी ऑर्डर करी थी मैंने, बीड़ी ऑर्डर करी थी मैंने। पीटर दे। हेलो, मैंने क्या ऑर्डर करा था? अबे एक पिज्जा, दो कॉफी ऑर्डर। अरे क्या, दो कॉफी ऑर्डर करी थी मैंने और एक सिगरेट। बीड़ी भेज रहा हूँ मुझे अभी साले, अभी क्या अभी। हेलो, अरे अभी 5% खून बैग के साथ मेरा रिफंड चाहिए मेरी जोमैटो ऐप में। साले तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। मनोज भाई ये सब अब भी चल रहा क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ले ये लटक रही टिप। मुझे लगता है आप डॉक्टर साहब को हमें अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। तुम इधर जाओ, मैं सामने जाता हूँ, और पीटर तुम इधर। तो कोई चांस नहीं है साला, जी जाऊंगी। ऊपर वाले, हो सके तो इस पापी को माफ करना, सारा मेरा किया था। मैडम डॉक्टर, तुम यहाँ कैसे आए? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मनोज भाई, क्या लगता है किसने बांधा होगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है। और तू है कौन जो तुझे जवाब देता फिरूं? हम में से सिर्फ एक नहीं है यहाँ पर, मेरा तो उसने लड़के हैप्पी पर शक जा रहा है, उसने ही किया होगा ये सब। मेरा शक तो अभी भी किसी और पर ही है। पिछले जन्म में दलाल थे क्या? अभी तुम इंस्पेक्टर मनोज के शक को जानते ही कहाँ हो, जानते हो, जान जाओगे। अबे तेरी औकात है मुझसे रिश्वत मांगने की? साले काले, तुझे दहेज में मैंने ब्लड दिलवाई थी 350 ml की सीसी में पूरी। क्या हुआ पीटर, क्या बता रहा है? हैप्पी की लोकेशन पूछ रहा हूँ तो साला रिश्वत मांग रहा है। क्या मांग रहा है रिश्वत में? आँख आँख
अपनी टीम में बाज जैसी निगाह किसकी है? कौन कह रहा? माँ की आंख उसकी? बाज जैसी तो मेरी काया, आंख तो मेरी सुअर जैसी है। अगर आंख के अलावा कुछ और मांग रिया हो तो देख लो। अरे तेरी बहन का ब्लड ट्रम्प हट। अरे पीटर मेरे बच्चे बेटे क्यों मार रहा बेचारे ज़ॉम्बी को? ऐसा क्या मांग लिया? अरे रिश्वत में एडम की मांग रहा। अरे हट हट, हमें ना चाहिए इसकी मदद पीटर। अबे डॉक्टर, ये कैसे ब्रांडेड है? ये जॉनी सिंस बनाए हैं, ज़ॉम्बी बनाए हैं। एडम दे दे, वरना पीटर मेरी बात कर ले इससे। अरे रुक जा मनोज, रुक, मैं बताता हूँ कैसे बता गए। देख उधर देख, बता रहा था। अरे ये बताया गया कैसे? ये क्या कोई नेविगेशन है? गूगल कंपनी में था, ये 1.5 करोड़ पैकेज था इसका। लो भाई, 10 किलोमीटर भगा के दीवार पे लाके खड़ा कर दिया, ये हैप्पी? अरे डॉक्टर साहब, इस दीवार के बदले मेरी बात जैसी आंखें मांग रही था। बताओ कहाँ है हैप्पी, कहाँ है? बनिया मेरा कद्दू का गूगल मैप। अरे ये गूगल मैप होते ही फर्जी हैं। हम बताते हैं तुम्हें इसकी एक बार की बात। हम जा रहे थे अपनी ससुराल, इसकी मदद से हमें लेकर गया GB रोड दिल्ली। बताओ। अबे तो डॉक्टर साहब, इसमें मैप कहाँ लेके गया है? इसमें तो तुम्हारी हवस लेके गई है। है तुझे कुछ ना पता। अरे डॉक्टर साहब, जिंदा बांध रखा, जिंदा हैप्पी को। क्या क्या? चुप चुप चुप, क्या इंसाफ के लिए आवाज उठाऊंगा डॉक्टर साहब। अरे मुझे कोई उठाओ। चलना है, बैठना नहीं है। लो जॉब दो, चल। We'll be right back.
पीटर! पीटर! जोली हो रही है बांटेड का। वैसे मैं इसका इस्तेमाल करना तो नहीं चाहता, पर इसके नाटक देख रहे हो बहन के लोड़े। चूतिया ही है क्या? तुझे मेरा घुटना ना दिखा? घुटने ही तो दिखा, तभी तो चढ़ा मैं। और एडम सर? पीटर, एडम किधर है? पे किसने बांधा तुम्हें पता कुछ? मुझे कुछ याद नहीं है। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग कर रिया भैया। पहले थिएटर करता था क्या? खुद बांध के खुद ही पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बांधा। अबे मैं क्यों बांधूंगा इसको, मुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा ताजी माल। बड़े दोगले हो मनोज, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अभी हम सब ने देखा एडम ने तुम्हारी जान बचाई है। अजी मेरा कद्दू बचाई, पूरा प्लान है इसका और पूरी दुनिया इसने खत्म कर दी। हाँ ये बात तो सही कह रही है, दुनिया तो खैर नहीं खत्म करी है। मनोज जो कह रहा, क्या ये सब सच है? पीटर तुमने इन दोनों को इसलिए दूर बांधा ताकि तुम इन्हें आराम से ले जाकर खा सको। ये तो तू भी कर सकता है ना। फिर रात पहरे पर एंथनी की जगह तुम क्यों थे पीटर? एंथनी की जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए या दो लोगों की जानें लेने के लिए? अगर हम दोनों में से किसी ने एक ने भी ये किया होता तो इन दोनों में से कोई एक भी जिंदा न होता, और ये बात तू और मैं अच्छे से जानते हैं। अगर तुम्हारी ये पंचायतें खत्म हो गई हो तो बता दो ये किसने किया है। क्या किसने करा? हाँ यही कही से, और मुझे किसने बांधा? मेरी जिम्मेदारी है। अबे घोड़े बेच के तुम खुद सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कौन उठा के लेके जा रहा है? कौन सा नशा करके सोते हो? एडम मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं चाहूंगा तुम मुझे रेस्पेक्ट दो। अबे बुड्ढे, ये 15 रुपए की मुंह पे ब्लीच लगा के अपने आप को बहुत बड़ा वाला नासा का साइंटिस्ट समझ रहा? बुखार में कौन सी गोली दी जा पता भी है तुझे? हरी पन्नी की गोली। अबे ओ बुजुर्ग से क्या कह रहा है, मुझसे बात कर। हाँ तू बता, तू बता साले गटुए, कौन से एंगल से इंस्पेक्टर लगा है तू? चौकीदार लगा है, चौकीदार एटीएम में बैठने वाला। और सुन लो, जिसे आना है आओ, जिसे नहीं आना है मत आओ, मेरी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे है तुम्हारे एडम सर? नहीं नहीं ऐसे नहीं है हमारे एडम सर, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। Yeah!
मैंने पहले कही ये इन्फेक्टेड है, गोली मार दो इसे। तो अब मार देता हूँ इस आदम खोर के। गोली नहीं, गोली नहीं मारेगा। अंदर ही डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसे? पता नहीं चल पा रहा ये इंसान है या फिर ज़ॉम्बी, और इसका अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेव करना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अब अपनी टीम के लिए खतरा बन चुका है। ये बात तो मैंने बहुत पहले कही थी कि गोली मार दो इसे, और लीडर की टेंशन मत लेना, लीडर मैं हूँ। नहीं, इसमें एडम की कोई गलती नहीं है, सब मेरा किया कराया है। मुझे पीटर का ब्लड एडम को नहीं देना चाहिए था, वो तो बेचारा खुद से ही लड़ रहा है। मनोज भाई, कहाँ गायब हो गए डॉक्टर साहब? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। एक बात तो बता, मैं तेरी लुगाई हूँ, तेरा वकील हूँ, तेरा दलाल हूँ, मुझे क्या पता कहाँ गए? अरे मनोज भाई, हम तुम्हें कुछ मानते हैं इसलिए पूछते हैं। क्या मानता? एडम के बाद दूसरा लीडर। सच में? हाँ। तो ठीक है फिर। तो बताओ फिर कहाँ गए डॉक्टर साहब? अबे मुझे क्या पता। आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम अरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। क्रेजी फॉर पीटर, डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे और एडम भी लापता है। तो क्या करूं, तेरी FIR लिखूं? क्यों नहीं पीटर, तुम तो बहुत दूर तक का सुनकर बता सकते हो ना, या फिर तुमने ही गायब कर दिया है उन दोनों को। मैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक का सुन सकता हूँ, और मुझे जरूरत नहीं है किसी को गायब करने की। एडम, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मारा नहीं हूँ, प्रैक्टिस कर रहा था मरने की। तू पागल है एडम। एडम, तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत है, तुम इससे लड़ सकते हो। तुम जानना चाहोगे कि पीटर ने इस पर कैसे कंट्रोल किया। वो अपने बाप को खा गया था, और शायद बाप को खाने का उसका दर्द उसकी भूख से ज़्यादा बड़ा था। और तुम अब तक ज़ॉम्बी नहीं बने, ये इस बात का सबूत है कि इस वायरस से लड़ने की इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। किसी को तुम पर भरोसा हो या नहीं हो, पर मुझे है, और पीटर को भी। पीटर, एक बार, बस एक बार रसमलाई खिलवा दो।
पीछे मत आओ। पर क्यों पीटर? क्योंकि खतरा है। Causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? सकते हो एडम पीटर। सुन क्यों ना रहे डॉक्टर साहब, भैया की शादी में भी आगे बैठ के गया था। ए एंथनी पीछे आ जाओ। मैं आगे बैठ के जाऊंगा। मैं मरो सर। लो 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 आ जाऊंगा आगे बैठ के, मरवा दूंगा सालों सबको। लो लो भैया की बहादुरी। हैप्पी भाई, पहले ये एडम गायब, फिर ये डॉक्टर साहब गायब, और अब ये पीटर गायब। ये लोग जाते कहाँ हैं? इन्हें क्या हम ढूंढते रहेंगे क्या? अब मनोज भाई, अबे मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही? ऐसे पूछ के रिया था ना, पहले तुम चेत लो, है ना? चेत हो, हम तो फ्रेंडशिप पे बैठे हैं भाई। पीटर
लाइक कर देना, एक लाइक करे बगैर कोई नहीं जानेगा। और गाइस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, मतलब कि फैला दो हर जगह। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 30 मिलियन चैनल पे लगा दो और 7 मिलियन लाइक्स कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। चाय जाओ छोटू, चाय ले आओ, थर्ड पार्ट बना देंगे। मैं क्यों लेकर चाय बेटे, वो 7 मिलियन भी तो करेंगे। 7 मिलियन आ जाएंगे। कम पड़ ली है यहाँ, रस्सी कम पड़ ली है, इसका मतलब हम में से किसी एक को जाकर इस खाली जगह पर पैरा देना।